कृषि उपज मंडी पथरिया में संपूर्ण बुंदेलखंड से उड़द बेचने आ रहे किसानों द्वारा स्थानीय विधायक रामबाई गोविंद सिंह को अवगत कराया गया कि उड़द की आवक ज्यादा है, वहीं स्टाफ की कमी होने की वजह से माल नहीं तुल पा रहा है और नवमी एवं दशहरा के चलते आने वाले दिनों में डाक नहीं होगी, जिससे हमें अपना माल यहीं रखकर भूखे प्यास से सोना पड़ेगा। जिसकी जानकारी लगते ही विधायक तत्काल कृषि उपज मंडी पथरिया पहुंची और उन्होंने गढ़ा कोटा रहली देवरी बड़ा सागर बक्सवाहा शागढ़ बटियागढ़ दमो एवं पथरिया क्षेत्र के किसानों से सभी समस्याओं पर विस्तृत चर्चा की। इसके उपरांत स्थानीय हमाल संघ के अध्यक्ष से चर्चा कर मंडी प्रशासन को निर्देश दिए कि जब तक किसानों का पूरा माल न तौल दिया जाए तब तक कृषि उपज मंडी में किसी भी प्रकार के अवकाश न की जाए। लोकप्रिय विधायक द्वारा किए गए प्रयास से सभी किसान भाई सहमत दिखाई दिए एवं अपने विधायक की तत्परता की प्रशंसा करते नजर आए। इस अवसर पर व्यापारियों की ओर से प्रवीण जैन, विधायक प्रतिनिधि भूपेंद्र सोनी, दिनेश नामदेव, सुनील दुबे, सचिन खरे एवं सभी स्थानीय कार्यकर्ता विशेष रूप से उपस्थित रहे। ठीक है स्वागत आपके गढ़ा कोटा रहली और जे का नाम है तेनाए बक्सवा है और कितने छतर इतने दूर से आदमी आ रहे। ये तो हमारे दमोह के जो पथरिया के व्यापारी हैं, इनको संगठन है, इनने इतनी अच्छी योजना बनाई कि आप उनने आप लोगों की माल की ने आप लोगों की कदर करी है कि हमने उस पर अच्छे रेट रखे। लेकिन अब जा बताओ आप लोग कि आज स्थिति जा है कि एक एक जो पल्लेदार है उनकी क्षमता कितनी है, कम से कम 100 बोरा उतार सका एक दिन आप उतार सका और उनके सामने 1000 आ जाए वो कैसे उतार कैसे तोल कैसे काम कर सका नहीं कर सका ना। तो परिस्थिति ऐसी भी है कि और हमाल भी देखो इंसान आए तो उन्हें भी वे भी पूजा पाठ करके जाना वे भी मानत देवी देवता हैं, उनके घर में भी कुल देवी है कुल देवता है, आठा की पूजा है नमाई की पूजा है कि नहीं जातो आप लोग भाई हम लोग है। कल दिनेश भैया कल तुम्हें सोने नहीं आ कहाँ गए गुरु कहाँ गए भी सेल्समैन भैया आप कल आओगे और कल दिन भर इन किसानों के हित के लाने ते रहे हो घर से रोटी मरने बलवा हो लिखे हो पैसे भाई इनोरों को भरोसा ने टूटे कि भाई कौन उनको 7000 को अगर जो 7000 को माल खरीदे और 7300 को माल खरीदे वो इतनी मुठी में ले लियो और दूसरी ढेरी जोन जी अगर कम लगा रहा हूँ उससे हम मिला लेंगे। ठीक है भारत माता की और सुनो भैया जो को दूसरी विधानसभा से आए हैं रैली से टीकमगढ़ से गड़ाकोटा से है कि नहीं सबको हम स्वागत करते हैं और अगर हमने कुछ गलत बोली हो तो माफ कर देंगे। लेकिन आप लोगों होते कोई तकलीफ नहीं रहे आप लोगों की कल डाक भी हो जाए है तुलाई भी हो जाए है और इस बार मतलब आप जैसा भी इनकी मतलब साथ दे हैं तो आप लोग कल बांट के जल्दी घर आ जाए। नहीं हो माल रखो रहे नहीं रखो रहते आए सब जगह रखो रे नहीं होगा सब जनों ने कही हम अकेले जितने हम माल के संघ के उनने कही है किसान हैरान कहने आप लोगों को पता है आज तक हमारी मंडी में हम वालों की कोई शिकायत नहीं आई दमो की शिकायत हर जगह की के बते से जो रहे हैं सो लेते हम हो रहे उतनी समिति इमें समिति प्रबंधक भी गलत करा था पहली बात तो समझ गए तो हम माल का हमारी पथरिया विधानसभा की कोई गलत नहीं करा और आप लोग भरोसा रखो आज रात आप लोग काटो जी कहाँ गए सचिव महोदय जल्दी डूब जाए कौन सा बोल रहे कल है और अगर इनमें से हमारे फोन आगा कोई को
के मतलब ढोर को भीतर घुसी आए तो जी को एक किलो खाए तू के एक किलो के पैसा हम तुम से दो। आप सचो मंडी सचो है जे आश्वासन दे रहे हमने आपको अगर जे ने कल करवा हम आपने बैठ के करवाए 11 बजे से जांच होगी और तुलाई कल ही होगी। ना कोई पल्लेदार मनमानी करेगा ना मनमानी आप लोगों के मजबूरी का कोई फायदा उठाएगा और ना हमारी विधानसभा के ऐसे पल्लेदार हैं कि किसी की मजबूरी को फायदा उठाए। याद रखियो आप लोग क्योंकि हर पल्लेदार सच्चाई पर अपनों का हक तुम्हारे अपनी स्वेच्छा हाँ इतना भली है कि तुम सोचो भैया ऊपर छोड़ दे जल्दी हमारी कर दे ऐसा कर दे तुम्हारों की गलती क्रम से डाक होती है कोई दिक्कत नहीं है कोई कितने क्रमई से डाक हुई है और आप लोगों को हुई है और सब जने अच्छे से सुन लो कल डाक भी हुई है तुलाई भी हुई है और जो को कह रहा हूँ ना कि बोली 1200 से 1300 से तो जो आप जाना तो भैया आप लोग किसान ही आओ हम कैसो गेहूँ लिया है कैसो चना कैसो मसरी तो आदमी मसरी देख के काम करते भाई कैसी क्वालिटी है क्वालिटी के आधार पे बोली लगाऊ थे और अगर जी की सही माल हो वे सो में कोई नहीं देखा तो व्यापारी भी देखा 1 रुपए एक्स्ट्रा भी लगता खरीद ले एक नंबर को है तो 7000 जैसे और नाट से भी कर सकता था बोल तो कैसे मिल जाती 7000 कैसे मिल जाती और ये और नाट से भी तो कर सकता था 7000 की जैसे तो काले भी कर सकते हैं लोग रेट साहू जी किसान आए आप भी जाना आप व्यापारी हो जी किसान भी है किसान के लड़का है हम भी किसान के लड़का अबे तुम व्यापारी बन के आओ व्यापारी हो ठीक है भाई जी किसान आए आप भी किसान के बेटा हो व्यापारी ठीक है इनकी मजबूरी को फायदा नहीं उठाना और दूसरी बात जो तीन तीन चार चार दिन से पड़े हैं वैसे ही एक तो ईश्वर की मार इन पर पड़ी है जैसे तैसे उड़ता और जितो जैसो निकलो हर चीज से परेशान है तो आप एक काम करियो कि सबके जिको एक नंबर माल है ऐसा नहीं कि सिर्फ 4 ढेरी 7300 की और 7000 और 5500 की नहीं तो फिर आप अगर ऐसी कहो तो कल हम 7-8 बजे जल्दी आप हैं बैठ जाए जैसे हम देख रहे हैं हमने यहाँ तो माजे सब कार्यकर्ता पहुँचा दूंगे हम आज जा रहे हैं हमारे जवारों से ज्यादा जरूरी इनको सुन लो है हम नहीं भी खरीदे माल लेकिन हमारे कल व्यापारी खरीदे हमारे लाने माल हम नहीं मिला तो भी खरीदे माल वो खरीदे प्रमोद भाई साहब खरीदने ना हम अपने करें दे रहे तुम्हारी जगह पे आप हम कैसे आप हमारे ऊपर भरोसा है आप बता हम इतनी जितनी हमारे जी हम कहूँ करेंगे क्वालिटी सही रे तना बना चलिए चलो तो बढ़िया अच्छा माल 7000 रुपए है तो 6 कोटा के लोग हैं रैली के हैं तो इन लोगों ने हमें शिकायत करी थी कि अपने मतलब पथरिया के हैं फुराई के हैं बीना के ऐसे बहुत से दूर दूर के किसान आए हैं क्योंकि आज मंडी दमो मंडी तो पूरे बुंदेलखंड में पथरिया मंडी में बहुत हाई रेट है तो उसी को लेके सब लोग आए हैं थे और जानकारी मिली कि आज मतलब डाक शाम तक भैया कछु किसानों ने जानकारी दी कि हम लोग 3 दिन से हते लेकिन हम लोगों की नहीं हो पाई जो कलई आए हैं उनकी हो गई ऐसी जानकारी दी है इन लोगों ने हालांकि हमने पुष्टि करी है वो भी सकते जो किसानों ने बताई वो सत्य हो और इसकी हमें पूरी जानकारी नहीं है लेकिन मुझे किसानों पर भरोसा है कि जो वो बता रहे हैं वो सही बता रहे हैं और मतलब एक समस्या और है कि माल बहुत ज़्यादा आ रहा होगा और जो हम माल हैं वो कम है अब एक हम माल जो व्यक्ति है वो सिर्फ 100 बोरा की क्षमता रखा था लेकिन अगर उनके सामने 1000 आ जाए तो वो क्या करें तो ऐसी भी समस्याएं हम मालों की कमी है थे इनके कारण भी तुलाई नहीं हो पाऊ गया बोली नहीं लग वो मतलब डाक नहीं हो पाऊ गया 40 माल है 40 माल है और हजारों की तादाद में किसान हैं तो ऐसी स्थिति है तो ये लोग सभी अपने हम माल के मतलब सदस्य हैं उनकी जय इच्छा थी कि कल नमाई की उनके घर में पूजा हो थे तो वो ना मतलब कल बंद रखें
लेकिन अभी हमने जो सभी हम माल भाई हैं उनसे चर्चा करी है हमने, तो वे हमारे आग्रह पे माने भी हैं कि ठीक है दीदी कल हम लोग तुलाई कर रहे हैं। तो डाक भी हुई है, तुलाई भी हुई है, और समस्या थोड़ी ये भी है कि कुछ लोगों ने बताओ कि व्यापारी हैं जो बोली ऐसी लगाते हैं 1200-1500, तो किसान भाइयों से हमने जानकारी करी तो उन्होंने बोली है कि दीदी ऐसा है कि जो माल थोड़ी ऐसा रथ है तो उनकी बोली लगाते हैं, लेकिन अच्छे माल की जो अच्छो है वो 7000-7200-7300 ही में जा रहा है। फिर हमने व्यापारियों से भी चर्चा करी, हमें अब आप बताओ तो कह रहे थे दीदी जो इसकी क्वालिटी ख़राब रहती है तो वो उतने रेट पर नहीं बिक पाऊँगी आगे। तो हमने बोली है कि कल जब डाक हो तो उसमें हमारे कार्यकर्ता हैं तो डाक के समय ये लोग आ जाएं, तो ये लोग पहली बोली जो लगा पहले जो खरीद रहे हैं अच्छो माल वो कितने में खरीद रहे हैं 7000-7300 में, वही साथ में लेकर दूसरे किसान के ढेर पर जाएँ और देखें अगर उनकी कम बोली लगा रहा है और सेम माल है तो फिर वह लापरवाही व्यापारी की मानी जाए कि जी लोग गलत कर रहे हैं। और अब फिर हम बर्दाश्त न कर रहे हैं तो कल जितने 10-12 हमारे कार्यकर्ता हैं वे आएँ और मंडी में रहे हैं कि व्यापारी क्या कर रहे हैं, क्या ऐसा सही में तो नहीं कि 3-4 ढेरी 700-710। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरो न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9039011886 एवं 9770229999।